क्या ये सवाल हो गया? बताओ जी, इसकी कौन सी रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई? और बोलो तो सही, इजी था। बाकी 1, 2, 3 हो गई है। ओके, अच्छा जी बच्चों, ये सवाल जरा देखते हैं। इसमें सबसे मेन चीज है डायग्राम। जब आप डायग्राम बना लेंगे ना तो आधा सवाल हो जाएगा। डायग्राम आपने अच्छी तरह समझ नहीं है। एम कंपनी बाय ज़ियोन फॉर प्रोसेसिंग। क्या ये ज़ियोन बनाती है कि बाय करती है? बाय करती है। क्या ये बात समझ आई? यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे हम और ज़ियोन ये कंपनी बाय करती है। हाँ जी, ज़ियोन मीन्स क्रूड ऑयल बाय किया। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट 1, ज़ियोन स्प्लिट्स ऑफ इनटू प्रोडक्ट ए बी एंड सी। बच्चों क्या वो बता रहा है कि डिपार्टमेंट 1 में जो भी खर्चा आता है वो ज्वाइंट कॉस्ट है? सोच लो, दोबारा पढ़ लो ये लाइन, दोबारा पढ़ लो। एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट 1, ज़ियोन स्प्लिट ऑफ इनटू प्रोडक्ट ए बी एंड सी। एंड ऑफ प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग हो कहां पे रही है? डिपार्टमेंट 1 में। तो बच्चों डिपार्टमेंट 1 में जो भी खर्चा आएगा वो ज्वाइंट कॉस्ट है। क्या ये बात समझ आई? तो डिपार्टमेंट 1 में आने वाला खर्चा मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, कितना खर्चा है मटेरियल का? 96,000। बच्चों क्या कह सकते हैं कि ये 96,000 वो पैसे हैं जो हमने सप्लायर को पे किए होंगे ज़ियोन के? सोचो जरा, हमने सप्लायर से ज़ियोन लिया और उसको पेमेंट की, कितनी पेमेंट की? 96,000। तो ये मटेरियल कॉस्ट होगी और 14,000 लेबर लगा और 10,000 फैक्ट्री ओवरहेड लगा। कितना जी? 14, 10। टोटल कितना खर्चा आया होगा? क्या मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकता हूं? 1,20,000। बच्चों अगर ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का हुआ और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का हुआ तो ये ही मेरी कॉस्ट ऑफ, सॉरी, उसको जमा करेंगे, उसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। सोचो जरा। और अगर ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का ना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ना हुआ, तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी। ऐसी है ये बात, अच्छी तरह से याद रखनी है, ये बार बार चीजें डिस्कस होंगी। अब आगे सुनो बच्चों, ए इज सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट विद नो फर्दर प्रोसेसिंग। क्या ए इमीडिएटली मार्केट में सेल हो जाता है? ए मार्केट में सेल हो जाता है, उस पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। आगे पढ़ते हैं, बी एंड सी रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर दे कैन बी सोल्ड। बी और सी मार्केट में सेल नहीं होता, उस पर मजीद मेहनत होती है। बी इज प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 2 एंड सी इज प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 3। बच्चों इसका मतलब यह हुआ, डिपार्टमेंट 2 में आने वाला खर्चा, क्या मैं कह सकता हूं ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है बी की? और बोलो तो सही। तो बच्चों 45,000 और 21,000, क्या ये बी की कॉस्ट है? 45 + 21, 66,000 बी की कॉस्ट है। और सी की कॉस्ट 65,000 प्लस 49,000, 1,14,000 सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है और ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। ऐसे ही है,
क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं बच्चों, ये यूनिट सोल्ड बताए उसने कितने, 20,000, और ये यूनिट्स ऑन हैंड है कितने, 10,000। बी के कितने यूनिट सेल हुए, 30, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं। सी के कितने यूनिट बेचे हैं, 45, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15। क्या यहां तक की बात समझ आ रही? अभी ओपनिंग स्टॉक की बात सवाल में देखते हैं हुई है कि नहीं हुई। बच्चों क्या ये सेल्स रेवेन्यू है या सेल प्राइस है? सेल रेवेन्यू है कि सेल प्राइस है? सेल्स रेवेन्यू है, ऐसी है क्या? बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि सेल प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करें, क्या कर सकते हैं आप? किसको किस पे डिवाइड करेंगे? 30,000 को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड करेंगे कि यूनिट प्रोड्यूस पे? प्रोड्यूस पे। बच्चों याद रखो रेवेन्यू का फार्मूला पढ़ा था किसी जमाने में, क्या रेवेन्यू का फार्मूला पढ़ा था? मैंने रेवेन्यू का फार्मूला पढ़ाया था सेल प्राइस इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस के सोल्ड, यूनिट सोल्ड याद करें। अगर आपको रेवेन्यू गिवन है, यूनिट सोल्ड गिवन है, तो सेल प्राइस निकल आएगी। तो जरा मुझे प्रोडक्ट ए की सेल प्राइस बताइएगा, क्या आएगी? 1.5। सोच ले प्रोडक्ट बी की सेल प्राइस बताएं, 3.2। ये कैसे आएगा? 96,000 को डिवाइड करेंगे 30,000 पे। सी की सेल प्राइस बताएं, 3.15। क्या ये बात 100% क्लियर है सबको? सोच लो, नहीं बात समझ आई? आगे पढ़ते हैं। There were no inventories on hand at 1 July 2014। बच्चों सोच समझ के जवाब देना, ये ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है कि क्लोजिंग स्टॉक की? ये देखो ऊपर लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, हमारा साल क्लोज कब हो रहा है? 30 जून 2015 पे क्लोज हो रहा है, ऐसे ही है। और ये बात किसकी कर रहा है? 1 जुलाई 2014 की। ये क्या चीज है? क्या ये कह रहा है कि ओपनिंग कोई नहीं था? एंड देयर वाज नो ज़ियोन ऑन हैंड एट 30 जून 2015, और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के लिए उसने नाम इस्तेमाल किया ज़ियोन का। इसका मतलब क्या हुआ? बाकियों का हो सकता है। सोचो, नहीं समझ आई? उसने दोबारा अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये कह रहा है देयर वर नो इन्वेंटरीज ऑन हैंड एट जुलाई 1 2000। यहां पे उसने कहा कि एबीसी, तो सर यहां पे उसने कुछ नहीं कहा एबीसी के बारे में। दैट मींस सबकी बात कर रहा है कि किसी का भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की बात स्पेसिफिक किसके लिए की है? ज़ियोन के लिए किया कि ज़ियोन का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इसका मतलब है बाकियों का हो सकता है। क्या देखो गौर से, बाकियों का उसने दिया भी हुआ है, बताया भी हुआ है, ऐसी है? और डेट भी लिखी हुई है साथ। आगे चलते हैं। All units on hand at June 30, 2015 were complete as to processing। क्या ये कह रहा है कि वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है? सोच लो, क्या वो ये कह रहा है कि वर्क इन प्रोसेस इस सवाल में कोई नहीं, कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो इन प्रोसेस है, सारे यूनिट कंप्लीट हुए पड़े? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, ना तो सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है और ना ही सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी 1,20,000। क्या ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। एम कंपनी यूजेस द मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट to allocate joint cost। ये बात समझ आएगी? अब अगला requirement number one, the market value at split of point for product A is total units produced for the year। हाँ जी, अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना।
क्या वो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट मांग रहा है कि मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू के लिए सेल प्राइस पता होना जरूरी है कि कॉस्ट प्राइस पता होना जरूरी है? सेल प्राइस आपने निकाल ली है कि नहीं? यहां तक ही क्लियर? और बच्चों दूसरा पॉइंट, क्या वो आपसे सेल्स वैल्यू मांग रहा है या सेल्स रेवेन्यू मांग रहा है? रेवेन्यू बच्चों, सेल्स रेवेन्यू तो सवाल में ऑलरेडी गिवन नहीं है, जरा गौर से देखो। क्या जो सवाल में दिया हुआ है वही मांग रहा है? अंग्रेजी, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट वैल्यू मांग रहा है किस चीज की? यूनिट प्रोड्यूस की कि यूनिट सोल्ड की? प्रोड्यूस की, जो प्रोडक्शन हुई है उसकी सेल्स वैल्यू मांग रहा है, ऐसे ही है? अच्छा, अब जरा सोच समझ लो। देना प्रोडक्ट ए का ओपनिंग स्टॉक है? प्रोडक्ट ए का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। बच्चों जब हम बहुत छोटे होते थे, क्या मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने बार बार कहा था ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का है। ये फार्मूला किसका है? यूनिट्स का है, ये रुपीज का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट वैल्यू पे होते हैं, सेल इनवॉइस वैल्यू पे होती है। याद आ रहा कुछ कुछ? तो बच्चों ये फार्मूला किस चीज का है? यूनिट्स का। ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है प्रोडक्ट ए। क्या प्रोडक्ट ए का कोई ओपनिंग स्टॉक है? नहीं है। प्रोडक्शन नहीं पता हमें प्रोडक्शन क्या है, लेकिन क्या हमें सेल पता है? सेल कितनी है? 20,000। क्या हमें क्लोजिंग स्टॉक पता है? तो बच्चों प्रोडक्शन निकल आएगी, प्रोडक्शन क्या आ जाएगी? 30,000। क्या ये बात समझ आई? प्रोडक्शन है जी बच्चों 30,000, और उसने कहा है कि जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उसकी सेल्स वैल्यू मार्केट वैल्यू फाइंड करें। तो बच्चों क्या हमारे पास पर यूनिट सेल प्राइस है? 1.5। तो बच्चों क्या मैं 1.5 को 30,000 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए आ जाएगी? ये मेरी रिक्वायरमेंट नंबर एक कंप्लीट हो। क्या ये बात समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? पार्ट ए क्लियर सबको? पार्ट बी, द टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 टू बी एलोकेटेड। एलोकेट करने के बाद की बात कर रहा है कि पहले की? पहले की बात कर रहा है। याद आ रहा कुछ कुछ? टू बी एलोकेटेड, अभी एलोकेट नहीं कर रहे। क्या एलोकेट करने से पहले की बात हो रही है? तो बच्चों क्या हमारा आंसर आ नहीं गया ऑलरेडी? कितना है? 1,20,000। रिक्वायरमेंट नंबर बी की भी आंसर आ गया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? ये क्या है, टोटल है? आवाज नहीं आ रही। ये टोटल है, और उसने क्या मांगा है? टोटल जॉइंट कॉस्ट। उसने भी टोटल ही मांगी। तो क्या सवाल के साथ जवाब मैच नहीं कर रहा? सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, और बोलो तो सही। क्या उसने भी यही कहा है टोटल जॉइंट कॉस्ट? और टोटल जॉइंट कॉस्ट एक बीस ही है या कुछ और भी है? क्या टोटल कॉस्ट, सोच समय के जवाब देना, क्या टोटल कॉस्ट और टोटल जॉइंट कॉस्ट में फर्क होता है? सोचो जरा। टोटल कॉस्ट किसी एक का भी हो सकता है, जॉइंट का एक भी डिपेंड हो रहा है। हां जी, क्या टोटल कॉस्ट और टोटल जॉइंट कॉस्ट में फर्क होता है? थोड़ा सा आना शुरू हो गया फर्क है। हां जी, फर्क होता है कि नहीं होता? थोड़ा सा बच्चों, टोटल कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी शामिल होती है, लेकिन जॉइंट कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट शामिल। उसने सवाल में टोटल कॉस्ट मांगी है कि टोटल जॉइंट कॉस्ट मांगी? जॉइंट कॉस्ट मांगी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1,20,000। उसने टोटल कॉस्ट अगर कही होती तो आंसर कुछ और होता। उसने हमसे टोटल जॉइंट कॉस्ट मांगी है, तो जॉइंट कॉस्ट हमारी 1,20,000। क्या ये बात समझ आ गई? अब सी पार्ट,
तो फर्दर प्रोसेसिंग ऐड कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। अंग्रेजी दोबारा पढ़ लें। प्रोडक्ट बी के, सोच समय के जवाब देना, क्या प्रोडक्ट बी के प्रोड्यूस करने की कॉस्ट मांगी है कि सेल करने की? गौर से सेल्स की कॉस्ट मांगी है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट मांगी है? ये याद रखना है आपने, ऐसा ना हो गया प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल। ठीक है, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टोटल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस लिखा हुआ है? सोल्ड लिखा हुआ है, तो हमने सोल्ड की कॉस्ट निकालनी। अच्छा जी बच्चों, बी की कॉस्ट उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट ना हो जाए। ऐसी है, तो बच्चों वर्किंग नंबर वन करेंगे। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, क्या बच्चों आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं ए बी सी, क्या आपको सेल प्राइस का पता है? क्या क्या है सेल प्राइस? 1.5, 3.2, 3.15, 1.5, 3.2, 3.15, क्या आपको पता है आउटपुट या प्रोडक्शन कितनी है? हाँ जी बच्चों, एक ए की प्रोडक्शन कितनी है? 30,000। ऐसे ही है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों बी की प्रोडक्शन कितनी है? ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी कोई नहीं। इसका मतलब है जितने प्रोड्यूस हुए उतने सेल हुए, तो मेरी बी की प्रोडक्शन भी क्या है? 30,000। सी की प्रोडक्शन, सो समय के जवाब देना, ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं है, क्या सेल में क्लोजिंग स्टॉक जमा कर देंगे प्रोडक्शन आ रहेगी? क्या आंसर आ रहेगा? 60,000। तो क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, अब बच्चों क्या सेल्स वैल्यू निकाली जा सकती है? कैसे भला? 30,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे, 45,000। अब 30,000 को मल्टीप्लाई करना किससे? 3.2 से, 96,000। अब 60,000 को मल्टीप्लाई करना है 3.15 से, 189,000। ले रहे थे यहाँ पे बच्चों, इसमें आ जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सोच लो, हाँ जी बच्चों, डायग्राम जरा गौर से देखना, फर्दर प्रोसेसिंग किस किस की लगी है? बी और सी की लगी है, सही है, तो किसी और की भी लगी है? क्या ए की लगी है? नहीं लगी। बी की 66,000 है और सी की 114,000, ऐसी है। तो बच्चों सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकल आएगी, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? 45,000 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा? 96,000 में से 66 माइनस करेंगे, 189 में से 14 माइनस करेंगे, 75,000। क्या टोटल आंसर आ जाएगा? सोच लो, अब यहां पे आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट। क्या डायग्राम के मुताबिक जॉइंट कॉस्ट हमारी 1,20,000 है? यहां पे लिखेंगे जी 1,20,000। अब मुझे बताइए, बताइएगा बच्चों, प्रोडक्ट ए की जॉइंट कॉस्ट क्या आती है? 36,000। प्रोडक्ट बी की 24,000। इसकी क्या रहेगी? 60,000। क्लियर है? अच्छा, अब प्रोडक्ट बी
कि उसने टोटल कॉस्ट मांगी है कि सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट मांगी। पढ़ लो जरा गौर से। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड, मतलब सेल करने तक जो खर्चा आया है, ऐसे ही है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, बच्चों इसमें जॉइंट कॉस्ट भी आएगी और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी। अब प्रोडक्ट बी की जॉइंट कॉस्ट क्या थी बच्चों और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या थी? 24,000 प्लस 66,000, 90,000 आंसर आ जाएगा, ऐसे ही है। अब हाँ जी, अब ये सोच समझ के मुझे जवाब देना बच्चों। ये 90,000 जो आंसर आया है, ये यूनिट प्रोड्यूस का आंसर आया है कि यूनिट सोल्ड का? सोच लो, यूनिट सोल्ड बाय डिफॉल्ट, ये यूनिट प्रोड्यूस का आंसर आया है। खोते हो कितने, किसका आंसर आया है? यूनिट प्रोड्यूस का आंसर आया। क्या ये बात समझ आई है? ठीक है, लेकिन ये किसका आंसर है? ये यूनिट प्रोड्यूस का आंसर है, ये बात याद रहेगी। बाय डिफॉल्ट बच्चों याद रखना, ये आपने 24,000 प्रोडक्शन पे लगाया है, ये 66,000 किस पे लगा है? प्रोडक्शन पे लगा है। तो जो आंसर आया है वो प्रोडक्शन का आंसर है, सेल का आंसर नहीं है। हम क्या करेंगे, क्या आपको किसी जमाने में याद है कि आपने कॉस्ट पर यूनिट पड़ी थी? याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, याद करें। 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ऐसी है। तो बच्चों अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी हो तो कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? और बोलो तो सही, कितना, कितने यूनिट बेचे हैं? 30। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये बात समझ आई बच्चों? इस सवाल में हमारा आंसर सेम आया है, लेकिन क्या हर सवाल में हमारा आंसर सेम आएगा? कब फर्क आएगा, कब नहीं आएगा? जब सवाल में क्लोजिंग स्टॉक होता वो फर्क आता। तरीका यही करेंगे जो हमने पढ़ा है, पहले क्या करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। क्या, जरा अंग्रेजी पढ़ के देखो वंस अगेन, क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है? सोच लो, क्या हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल कह सकते हैं? उसने कॉस्ट ऑफ सेल मांगी हमसे, ऐसी। तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, द कॉस्ट असाइंड टू प्रोडक्ट ए एंडिंग इन्वेंटरी। अब बच्चों जरा गौर से देखो, क्या क्लोजिंग स्टॉक ए का 10,000 है? बच्चों तरीका वही है जो भी हमने पढ़ा है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है, कर लोगे प्रोडक्ट ए की। फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। प्रोडक्ट ए की बच्चों सोच समय के जवाब देना, क्या प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की 36,000 है? क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसकी? उसके ऊपर तो एक मजीद 1 रुपए का खर्चा लगा ही नहीं है। तो प्रोडक्ट ए की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 36,000 है, और प्रोडक्ट ए बनाए कितने हैं? 30,000। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 37,000 क्या आंसर आएगा? 1.2 पर यूनिट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, ऐसे ही है। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सोच लो, नहीं बात समझ आई है? वो क्या थी? 1.5
सेल प्राइस थी अल्लाह के बंदे, ठीक है। अच्छा जी पार्ट बी आखिरी पार्ट, द कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट सी एंडिंग इन्वेंट्री। हाँ जी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या आएगी बच्चों प्रोडक्ट बी, क्या हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं प्रोडक्ट बी की, निकालिएगा जरा सी की, सी की ओके बच्चों सी की कॉस्ट क्या आएगी 60, लेकिन क्या उसमें फर्दर प्रोसेसिंग भी जमा होनी है, तो 60,000 जमा 114,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए 60,000 पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी 2.9 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15,000 यूनिट बचे हुए हैं इंटू 3.9 43,500। ये है हमारे सवाल का सलूशन, क्या ये 100% समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी दिखाता हूँ कितने नंबर का सवाल, टेंशन ना लो है? अच्छा नहीं बच्चो आ रहा जी आ रहा सब कुछ, हौसला कर लो बच्चों आगे सुनिएगा जरा, क्या किसी जमाने में हमने फाइफो और वेटेड एवरेज पढ़ा था, होपफुली आप भूल गए होगे, आज दोबारा पढ़ते हैं। हाँ जी फिर आ गए बच्चों, बस इसकी इज्जत ही कोई है। अच्छा जी बच्चों अब जरा ध्यान से, आपने मुझे अब मैंने आपसे पूछना है और आपने मुझे जवाब देना ध्यान से। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका पहला साल है, उसकी कोई यूनिट्स नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है ओपनिंग स्टॉक, क्या ये बात समझ आ गई, पहला साल है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फर्ज करो बच्चों हमने 50,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किए और 10,00,000 रुपया खर्चा आया, मेरे क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 यूनिट बचे हुए हैं लेकिन मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल में मेरे कितने यूनिट सेल हो चुके होंगे 40,000, क्या आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता सकते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू निकलेगी, शाबाश ट्राई करें ट्राई करें, क्या वाकई आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करना आती है, हाँ जी शाबाश मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताएं, 2,00,000 कैसे आया, कॉस्ट पर यूनिट कैसे आई, फार्मूला क्या लगाया, शाबाश 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 सोचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, क्या बच्चों पर यूनिट कॉस्ट का आंसर यहां से आ जाएगा,
क्या आंसर आएगा? 20 रुपए आएगा, ऐसे ही है। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी कैसे, 20 × 10,000 2,00,000। सोचो ये 2,00,000 आ जाएगा और ये 8,00,000 आ जाएगा, ऐसी है। यहां तक की बात समझ आ गई बच्चों? ये आपने जो फार्मूला लगाया है ये फाइफो का है या वेटेड एवरेज का? सोच लो, ये बच्चों ये फार्मूला हमने पढ़ा था फाइफो के लिए, याद है कुछ कुछ? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर, ये फाइफो का फार्मूला है। लेकिन अगर आप वेटेड एवरेज का फार्मूला भी लगा लें, वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, याद करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, याद आ रहा कुछ कुछ? बच्चों अगर ये फार्मूला लगा लें क्या तब भी हमारा आंसर सेम आएगा? करो करो करो, शाबाश। हानी, क्या हमारा आंसर सेम आएगा बच्चों कि नहीं सेम आएगा? क्यों सेम आएगा? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है। यहां से एक बात समझ आनी चाहिए कि अगर किसी सवाल में ओपनिंग स्टॉक ना हो तो क्या वेटेड एवरेज और फाइफो का आंसर सेम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर सेम आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर सेम आएगा? सोच लो, आवाज नहीं आई। तो बच्चों क्या अब उस सूरत में आई कैप को बताने की जरूरत है कि फाइफो मेथड लगेगा कि वेटेड एवरेज? आई कैप अगर ना भी बताए तो काम चल जाएगा? क्या बच्चों को यह ढूंढने की जरूरत होगी कि फाइफो है या वेटेड एवरेज? क्यों जरूरत नहीं है? कोई भी लगा ले आंसर सेम आ, ठीक है? उस वक्त ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि फाइफो है या वेटेड एवरेज है। क्लियर है सबको? अब अगली एग्जांपल देखें। ओपनिंग स्टॉक है 5,000 यूनिट्स और कॉस्ट है 90,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 50,000 यूनिट्स की 1,000,000। क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल 45,000 यूनिट्स लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल क्या है ये नहीं पता। हाँ जी बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि फाइफो मेथड है तो करें जी जरा, वन
फाइफो बेसिस बच्चों क्या फाइफो में अभी भी आंसर 20 आएगा? क्या अभी भी क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का आएगा? क्या अभी भी नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल अभी 8,90,000 की है, सोच लो बच्चों। यहां से एक बात समझ आनी चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक हो या ना हो, फाइफो की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच लो, नहीं समझ रही बात? क्या फाइफो की कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व होता है? तो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो या ना हो, फाइफो को कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीक हो गया। कॉस्ट पर यूनिट अभी भी 20 आएगी, सोच लो, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं बच्चों क्या ओपन फाइफो का मतलब ये है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 45,000 यूनिट बेचे हैं, क्या इसमें ओपनिंग स्टॉक भी शामिल है? जो पिछले साल के यूनिट पड़े थे वो सेल हो चुके होंगे, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट है, क्या ये फ्रेश प्रोडक्शन वाले यूनिट है? बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि 5,000 जो यूनिट्स हैं ओपनिंग स्टॉक वाले, क्या ये सेल हो चुके हैं? सोच लो, हाँ जी, क्या बच्चों सोच समझ के जवाब देना, ये 5,000 यूनिट सेल हो चुके होंगे कि नहीं हो चुके होंगे? ठीक हो गया। और बच्चों 50 में से 40,000 यूनिट जो फ्रेश प्रोडक्शन हुई होगी, क्या 40,000 यूनिट उसमें से सेल हुए होंगे? 20 के हिसाब से 40,000 जरा 20, क्या 8 लाख रुपए के फ्रेश प्रोडक्शन वाले यूनिट सेल हुए होंगे? तो बच्चों 45,000 कॉस्ट ऑफ सेल के यूनिट हैं, और 8,90,000 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है, क्या ये मैच हो रही बात? नहीं मैच हो रही, समझ आ गई बच्चों? जितने यूनिट हमने कॉस्ट ऑफ सेल में लिखे हैं वो उसका एनालिसिस समझ आ रहा है आपको कि हकीकत में ये 45,000 यूनिट कैसे सेल हुए होंगे? 5,000 ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे और 40,000 फ्रेश वाले सेल हुए होंगे, और बाकी जो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक है ये फ्रेश प्रोडक्शन में से बचे हुए यूनिट है, क्या ये बात समझ आ गई? बोलो तो सही। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, अब जरा देखिएगा बच्चों, सारा डाटा सेम है, आपने कैलकुलेशन करनी है वेटेड एवरेज की बेस पे। जरा वेटेड एवरेज की बेस पे कैलकुलेशन करें, पर यूनिट कॉस्ट आपने बतानी है मुझे।
क्या फार्मूला लगेगा, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कौन से, वेरी गुड। एक लाख आएगा है? हाँ जी क्या आएगा जी, 19.8182 एंड सो ऑन चलते जा रहा है। अच्छा जी, तो आई क्या कुछ से फर्क नहीं पड़ता कि आपने 81 की बजाय 82 लिख दिया है, उसको इससे कोई लेना देना, राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बच्चों क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बता सकते हैं? 198182 और कॉस्ट ऑफ सेल जरा बताइएगा, 89188 सोच रहे बच्चों। अगर मैं इसका एनालिसिस आपसे कहूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि 45,000 यूनिट जो सेल हुए हैं वो सारे मिक्स हैं, वो मिक्स सेल हुए हैं। पता नहीं ओपनिंग स्टॉक में से कुछ सेल हुए होंगे, कुछ बच गए होंगे, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ओपनिंग वाले भी पड़े होंगे, कुछ फ्रेश पड़े होंगे, ऐसे ही है, सब मिक्स हुआ पड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सीधे सीधे ये जो 45,000 यूनिट है ये सीधे सीधे 19.8182 के हिसाब से सेल हुए होंगे। जरा आंसर निकालिएगा क्या आता है, 891818 आप चेक कर लो जरा क्या सही आंसर आता है हमारा। हाँ जी चेक कर लो शाम, फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू 19.8182 891819 अप्रोक्सीमेट, ऐसी वो राउंड ऑफ किया हुआ ना, 1 रुपए का फर्क इसलिए। ठीक है जी बच्चों, क्या अब हम सोच समय के जवाब देना, क्या अब हम कह सकते हैं कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ो, क्योंकि सब मिक्स हुआ पड़ा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी फर्नीचर की, फर्नीचर इंडस्ट्री में चाहे कोई चेयर पिछले साल बनाई है चाहे कोई चेयर इस साल बनाई है, क्या पिछले साल वाली चेयर और इस साल वाली चेयर में हम फर्क कर सकते हैं कि पुरानी कौन सी है नई कौन सी, नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों चेयर लकड़ी से बनी है और लकड़ी दोनों सूरतों में पुरानी है। वो लकड़ी शायद 20 साल या 25 साल पहले कोई आपने बीज लगाया, उसका दरख्त बना, उस दरख्त को काटा, उससे चेयर बनी, उसी दरख्त से पिछले साल चेयर बनाई, उसी दरख्त से इस साल चेयर बनी, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये लकड़ी पुरानी है ये लकड़ी नई है, हालांकि दोनों चेयर एक ही दरख्त से बनी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो अगर इस साल आपने चेयर बनाई है, पॉइंट ये है कि दरख्त भी तो एक साल पुराना हो गया, चेयर चाहे नहीं है लेकिन मटेरियल तो पुराना हो चुका है। स्टोरी समझ आ रही है? तो पॉइंट ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ही ओपनिंग स्टॉक के यूनिट भी पड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इसलिए यहां पे बच्चों एक बात समझ आई है कि ओपनिंग स्टॉक अगर सवाल में होगा तो वेटेड एवरेज और फाइफो का आंसर सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ आई कैप को बताना पड़ेगा जब ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा कि भाई वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन करनी है या फाइफो की करनी है। क्या ये बात समझ लगी? अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो क्या आई कैप बताने का पाबंद है? आई कैप को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मर्जी कर ले आंसर सेम आना है। ठीक हो गया जी बच्चों? सवाल में दिया हुआ ना अजी सारा डाटा क्या है, अजी होंगे हाँ सारा कुछ
अज्यूम किया हुआ डाटा। बच्चों ये जरा देखो कितने नंबर का सवाल आया, 19 नंबर का। कब आया? आइटम 7 में आया। 19 नंबर के सवाल आ रहे हैं। क्या दिखाना? अज्यूम किया डाटा सारा 5000 में से। और ये यूनिट है, ये कॉस्ट है। क्या अज्यूम किया भाई? सारा कुछ अज्यूम किया। ये 10 लाख कहाँ से आया? चल मेरा सवाल का जवाब दे, ये कहाँ से आया पहले ये बता। वही मुझे यही बता, ये 10 लाख कहाँ से आया? कहाँ से आया? हाँ अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा टाइम हो गया, हौसला कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम जरा समझ लेते हैं। आपने घर जाके सवाल करना है। ये कितने नंबर का सवाल आया है? 19 नंबर का सवाल आया है। इस टॉपिक में से 19 नंबर के सवाल आते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, हमने मेन डायग्राम है, इसकी डायग्राम को क्लियर करना। बच्चों डायग्राम समझ लें जरा, ये घर जाके आपने करना है, इसलिए पहले मेरी बातें सुन लें वरना सवाल आपसे नहीं होगा। बाइनरी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स 3 जॉइंट प्रोडक्ट ए बी एंड सी इन 1 कॉमन प्रोसेस। फॉलोइंग दिस प्रोसेस प्रोडक्ट ए एंड बी आर सोल्ड इमीडिएटली व्हाइल प्रोडक्ट सी इज सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग। बच्चों कौन से यूनिट बेचते हैं, कौन सा नहीं बेचते? ए और बी सेल हो जाता है, सी सेल नहीं होता। अब सोच समय के जवाब देना। रिक्वायरमेंट ये है, प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड आइडेंटिफाइंग सेपरेटली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द 3 मेन प्रोडक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो बच्चों क्या सी को हम सेल करते हैं? सी सेल नहीं होता। तो क्या सी का इनकम स्टेटमेंट में कोई नामो निशान नजर आएगा? और बोलो तो सही, नहीं नजर आएगा। अब आगे सुने, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पीरियड 30 जून 2007। ए बी सी का ओपनिंग स्टॉक है? नहीं है। क्लियर सबको? क्या प्रोडक्शन उसने बता दी है? क्या सेल भी यूनिट बता दी है उसने? क्या सेल प्राइस भी बता दी है? क्या आईकैप ने हमारे पे एहसान कर दिया? पिछले सवाल में सेल प्राइस हमें निकालनी पड़ी थी, इस सवाल में उसने बता दी है। लेकिन बच्चों इस सवाल में उसने सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया, क्या हम सेल्स रेवेन्यू निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ए का भी निकलेगा और बी का भी। सी का क्यों नहीं निकलेगा? सी को बेचते ही नहीं है, इसलिए उसकी सेल प्राइस भी नहीं। क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर 179,158। इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चों? क्या ये जॉइंट कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है? ये टोटल कॉस्ट है, ऐसे फिलहाल हमें लग रहा है। आगे बढ़ते आगे सुनिएगा बच्चों, सोच समझ के जवाब देना कि सी के कितने यूनिट बनाए? क्या ये बन चुके हैं? क्यों नहीं बन चुके? सोचो जरा, ये प्रोडक्शन मतलब जॉइंट प्रोडक्ट से ये सबमिट होकर निकल चुके हैं। क्या प्रोडक्शन की बात हुई पड़ी है? प्रोडक्शन इन केजी मींस 134,000 का मटेरियल हमने मैयर करके साइड पे किया होगा कि नहीं? मतलब 134,000 बन चुके हैं। आगे पढ़ो, 128,000 केजी ऑफ सी वर फर्दर प्रोसेस्ड। बन कितने चुके थे? 134, लेकिन 134 आगे यूज नहीं हुए। कितने यूज हुए हैं? 128,000 फर्दर प्रोसेसिंग हुई ड्यूरिंग द पीरियड एंड कन्वर्टेड इनटू 96,000 केजी ऑफ जी। क्या बनाया हमने? सी से क्या बना? जी। तो जी मार्केट में बेचेंगे कि सी बेचेंगे? जी बेचेंगे, सी नहीं बेचेंगे। द एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग वर, बच्चों ए और बी तो मार्केट में इमीडिएटली सेल कर देते हैं, लेकिन जी बनाते वक्त ये एडिशनल कॉस्ट है कि नहीं? तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है? ये जॉइंट कॉस्ट है। वैसे नजर आ रहा था कि ये टोटल कॉस्ट है, लेकिन ये टोटल नहीं है, ये बेसिकली जी बनाने से पहले की कॉस्ट है। तो हकीकत में ये जॉइंट कॉस्ट है।
क्या ये बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं. 94,000 केजी ऑफ जी वाज सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड. हाँ जी बच्चों, बनाया कितना था? 96. कितना सेल हुआ? 94. इसका मतलब है 2000 केजी क्लोजिंग स्टॉक में होगा. लेकिन बच्चों ये देखिए, ये क्या हुआ है? बनाया क्या था? 134. और यूज कितना हुआ है? 128. ठीक है. नॉर्मलाइज कैसे? क्या वो 134 बना नहीं था? क्या वो 134,000 बन चुका था? अगर तो बना ही ना होता, लॉस हो जाता, तो 134 आता ही ना. क्या हमने जब जॉइंट प्रोडक्ट सप्लिट किया होगा, मटेरियल का वेट किया होगा, 134 ही बना होगा? कोई कह रहा है ना प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन है. अगर तो 128 केजी होता तो फिर 128 बताता, 134 क्यों बता रहा है? क्या यहां से हमें ये बात समझ आ सकती है कि 134,000 केजी बना होगा और उसमें से 128 यूज हुआ होगा, बाकी 6 अभी बचा हुआ है? सोचो, बाकी 6,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में होंगे. हम नॉर्मल लॉस नहीं कह सकते बच्चों. नॉर्मल लॉस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो बन चुका है 134,000 केजी, वो पड़ा खराब हो गया. ऐसा तो नहीं हो सकता. 134,000 केजी हमने वेट किया होगा, वो वेट हमने साइड पर रखा, लेकिन उसमें से मजीद प्रोडक्शन में कितना यूनिट गया होगा? 128. बाकी नहीं गया. तो नहीं गया तो क्या जला दें उसको? नहीं गया तो अगले साल चला जाएगा. क्या हम कह सकते हैं कि बाकी 6,000 यूनिट जो है क्लोजिंग स्टॉक है? अब जरा डायग्राम देखें. जॉइंट प्रोसेस की कॉस्ट 17,915 800 है. इसमें मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी लगा होगा और ओवरहेड भी लगा होगा. ऐसे ही है. इससे ए बना होगा, बी बना होगा और सी बना होगा. ऐसे ही है. ए कितना बना? 335. सोच लो. बी कितना बना? 295. और सी कितना बना? 134 केजी. सोच लो. इसमें से 6,000 क्लोजिंग स्टॉक, बाकी कितना निकला? 128,000 केजी. इस पे हुई फर्दर प्रोसेसिंग. 96,000 केजी प्रोडक्ट जी निकला होगा. सोच लो. अच्छा जी, यहां तक की स्टोरी क्लियर है बच्चों? और ये खर्चा कहां पे आया होगा? 558 यहां पे, और दूसरा 244,700 वो भी यहां पे. क्या टोटल खर्चा निकाल सकते हैं? टोटल कर ले जरा. आगे बढ़ते हैं बच्चों. 94,000 केजी ऑफ जी वाज सोल्ड विद द टोटल रेवेन्यू ऑफ 300,300. क्या सेल प्राइस निकल सकती है पर केजी? अब आगे सुने. ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी वाज 8,000 केजी. बच्चों यहाँ पे तो नील 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 आ रहा था. ए बी सी था ना, जी तो नहीं था ना. जी का तो ओपनिंग स्टॉक आ गया वैल्यूड एट 172,800. क्या सवाल में ओपनिंग स्टॉक आ गया है? क्या आईकैप को बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड है? क्या वो बता रहा है? फाइफो मेथड इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग ट्रांसफर ऑफ सी टू कॉस्ट ऑफ सेल. बाकियों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया. क्यों नहीं बताया? क्योंकि बाकियों का तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं. सोचो जरा, उसकी उसको जरूरत
नहीं है, यहां पे ओपनिंग स्टॉक था, यहां पे उसने बता दिया, क्लियर हो गया। 8000 केजी ऑफ बाय प्रोडक्ट वी वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग में बाय प्रोडक्ट बना है कि जॉइंट प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट बना है? सोचो जरा बच्चों, फर्दर प्रोसेसिंग होने पे ये 8000 केजी बना है बी। अगर फर्दर प्रोसेसिंग ना होती तो ये बाय प्रोडक्ट ना बनता। क्या ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई, आगे चलते हैं। एंड सोल्ड एट रुपीज 10, तो बच्चों 8000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 80000 रेवेन्यू आएगा पर केजी। सेल्स प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट आर एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जी। ये बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बता रहा है, कॉस्ट में से कमी करनी है कि रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट में से कमी करनी है। तो बच्चों कॉस्ट में से जब कमी करनी है, जॉइंट कॉस्ट में से कमी करनी है कि जी की कॉस्ट में से? पढ़ लो जरा गौर से, बच्चों ये बाय प्रोडक्ट बना कहां से है? जी से बना है, तो उसकी कॉस्ट भी कहां से माइनस होगी? क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 803200 है? इसमें से माइनस होगा कि जॉइंट कॉस्ट में से 80000 माइनस होगा? ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों यहां से माइनस नहीं होना, यहां से माइनस। क्लियर हो गया? क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा सीधा निकाल दें, थैंक यू। ठीक हो गया, और यहां तक की बात समझ लगी? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अपोर्शन अमंग ए बी एंड सी ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट। क्या वो बता रहा है कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है? फिजिकल यूनिट बेसिस पे। क्या हमारे पास आउटपुट है अवेलेबल? चेक कर लो जरा, इस कॉस्ट को इस बेसिस पे एलोकेट करना है, कर लोगे? आगे सुने, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट ऑफ 2.5 मिलियन वर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, दीज आर एलोकेटेड टू ऑल द मेन प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन। इसको भी स्प्लिट करना है हमें, लेकिन इसको किस बेस पे स्प्लिट करना है? सेल्स वैल्यू पे स्प्लिट कर। समझ आ रही बात? नहीं समझ आई है? Definitely sales value C की होगी नहीं, किसकी होगी? Z की। और ठीक है, ये आपने ट्राई करना सवाल। अब सुनो मेन मसला बच्चों, 1,28,000 केजी से कितने केजी बने? 96,000 केजी। और 96,000 केजी से उसने बता दिया है कि 2,000 केजी क्लोजिंग स्टॉक है, इसके तो बता दिया बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, 1,28,000 से 96,000 बने, 8,000 वो बने, टोटल कितना हो गया? 1,04,000। बाकी किधर गया? बाकी नॉर्मल लॉस, बाकी जाया हो गया। क्या जाया हो सकता है? दुनिया की ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं है जिसमें लॉस ना। एक सवाल हमने ऐसा किया था जिसमें याद करो कोई लॉस नहीं था, एक्स एक्स वाई वाई वाला याद आ रहा कुछ कुछ? इस सवाल में देखो बच्चों, ये सवाल था, इसमें कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया था? 11,000 से। और देखो जरा, 6, 4 और 1, इसमें टोटल 11,000 था, इसमें कोई लॉस नहीं था। तो ये सवाल आपने ट्राई करना है, कल फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। ठीक हो गया, 19 नंबर का सवाल आया ये। ठीक है, हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएं क्या इसमें आज के टॉपिक में कोई इशू है आपका? सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया कि आपने जो एलोकेट किया ना बिल्कुल एंड में, जो अभी नहीं की थी। हाँ, क्या एलोकेट किया सर? ये थोड़ा सा आप नीचे आएंगे बिल्कुल लास्ट में, जो आपने सवाल डिस्कस नहीं किया। हाँ
ये जो नॉर्मल नहीं है आपने कंसीडर किया कि एक 28 में से ये मतलब टोटल एक 34 था, फिर उसको एक 96,000 वो मतलब प्रोडक्ट भी वो चीज ये आपने बताया ना, ये एक 28 से 96 पे देखने से 98 तो बना जी, क्या 2000 वाली कहानी समझ में नहीं है जो आपने लेक्चर रिप्रेजेंट नहीं किया। एक 28 से 96,000 केजी का बना, उसमें से 94,000 सेल हो गया, ठीक है सही है, तो 2000 केजी क्लोजिंग स्टॉक में होगा सही है। सोचो क्लियर, तो नॉर्मल क्लियर है नहीं सर, मतलब मैं पूछने जा रहा हूँ 2000 जो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा नॉर्मल लॉस में जाएगा? नहीं नहीं क्लोजिंग स्टॉक में, देखो जरा वो कह रहा है, कह रहा है कन्वर्टेड इनटू 96,000 केजी ऑफ जी, क्या ये बन चुका है 96,000? एक मिनट, जी जी सर समझ गया, तो 94,000 केजी सेल हो चुका है, तो जो चीज बन चुकी है वो लॉस कैसे हो सकती है? हाँ प्रोडक्शन हो गई है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो वो बन चुकी है, तो अगर वो बन चुकी है इसका मतलब है उससे पहले लॉस होगा, उसके बाद लॉस नहीं होगा। अच्छा लॉस प्रोडक्शन कंप्लीट होने से पहले होता है? जी जी समझ गया, ये चीज रखी हुई अभी उसको प्रोसेस नहीं किया और वो लॉस हो गई है, मतलब जब मटेरियल खराब हो जाता है। हां ठीक है ठीक है, चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जी नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट अतर मियां, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई? माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो सर, को भी देखना होता है जी। ये सर सातवां पॉइंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, हाँ ये 2.5 मिलियन है, ये सेल्स वैल्यू की बेस पे हमने एलोकेट करना है, सेल्स वैल्यू की बेस पे। तो पहले हम वो क्या करेंगे, पहले सेल प्राइस से सेल रेवेन्यू निकालेंगे, फिर सेल रेवेन्यू में सेलिंग कॉस्ट, सेल रेवेन्यू से हम सेल्स वैल्यू निकालेंगे, सेल्स वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही? ये वही तरीका है, उस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकाल के तीनों प्रोडक्ट की ए बी और जी की, तो फिर 2.5 मिलियन को एलोकेट कर देंगे, ठीक है? ओके जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम सर, सेल्स वैल्यू और सेल्स रेवेन्यू में सर डिफरेंशिएट कर दें सर कांडी। हाँ जी क्या कह रहे हैं? सर सेल्स रेवेन्यू और सेल्स वैल्यू में सर डिफरेंशिएट, मैं बता दूं देखें, सेल्स रेवेन्यू जो होता है ना, सेल्स रेवेन्यू जो होता है सेल प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड होता है जी सर, और सेल्स वैल्यू जो होती है ना दैट इज सेल प्राइस इनटू यूनिट प्रोड्यूस्ड होती है, यूनिट प्रोड्यूस्ड। ओके सर क्लियर हो गया, ठीक हो गया, ओके जी बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।